हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक जीएसटी बिलिंग का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने डिज़ाइन व्यू में ये इस तरह से इसकी सेटिंग करी करी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है। तो नंबर को मैंने क्या बना दिया, डबल बना दिया। यहाँ से आप जा करके ड्रॉप डाउन से इसको डबल बना देंगे तो क्या होगा कि पॉइंट में भी ये वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप आई जी एस टी जहाँ दिया गया है वहाँ पे फॉर्मेट मैंने परसेंट रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मेट जो है परसेंट है, तो आपको भी फॉर्मेट परसेंट रखना होगा। और यहाँ पर सी जी एस टी एंड एस जी एस टी जो है इसमें भी फॉर्मेट मैंने क्या रखा हुआ है, परसेंट रखा हुआ है। यहाँ डेट एंड टाइम डेटा टाइप लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें पहले के कई वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं। अब इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। अब हमको यहाँ पे क्वेरी बनानी है। क्वेरी बनाने के पहले यहाँ पे हम कस्टमर का नेम दे देंगे और तमाम चीज़ें यहाँ पे दे देंगे ताकि जब हम क्वेरी बनाएं तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होकर आती रहें। उसके बाद फिर हम फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म बनाते समय भी देखेंगे कि किस प्रकार से आगे एंट्री कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज ही के डेट में कोई एंट्री हो रही हो, तो कस्टमर का नाम हो राम, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कस्टमर नेम। अब इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमें डिस्प्ले होगा। अब हमें इसमें जो भी एंट्री करनी है यहाँ पे हम दे देते हैं। जैसे ये जो पार्टी है वो 10 तारीख को ख़रीदारी करेगी और इसके हिसाब से यहाँ पे सीरियल नंबर आता जाएगा। तो सीरियल नंबर को मैंने यूनिक की बनाया है और अंकित, और ये खरीद रहे हैं यहाँ से हेडफोन। और यहाँ पर प्राइस जो है 700 रुपये है, यूनिट इन्होंने लिया 7, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल और यहाँ पे यूनिट देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आइटम है, पैकेट है, तो क्या लिया ना, यहाँ पे आइटम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कीबोर्ड है तो यहाँ आइटम कर सकते हैं या पैकेट भी कर सकते हैं आप, आइटम ठीक रहेगा, ज़्यादा बेहतर आइटम रहेगा, तो यहाँ आइटम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सी जी एस टी या एस जी एस टी लगाना है वो लगा सकते हैं, अदरवाइज आई जी एस टी लगा सकते हैं। जब डिफरेंट स्टेट की बात होगी तो यहाँ आई जी एस टी लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पर हम 17% का आई जी एस टी लगा रहे हैं। जब आई जी एस टी लगाएंगे तो फिर आई जी एस टी के हिसाब से अलग कैलकुलेट करना होगा हमें। उसके लिए एक अलग से हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ये जो टैक्स अमाउंट है ये सी जी एस टी वाला है, तो यहाँ मैं दे देता हूँ टैक्स अमाउंट सी जी एस टी एंड एस जी एस टी, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर जो हम टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, टैक्स अमाउंट, ये जो है आई जी एस टी वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे जी एस टी कर देते हैं, जी छूट गया। तो यहाँ पे आई जी एस टी वाला टैक्स अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ नंबर रख देते हैं। और ये बात ध्यान रखना है आपको कि इसको डबल ज़रूर बना लीजिए आप, ताकि ये दशमलव में भी वैल्यूज़ कंटेन कर सके, ले सके, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ से टेबल वन जो है इसको ऐड करा देंगे। अब इसमें सारी चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है। मैं अभी डेट ऑफ परचेजिंग, कस्टमर नेम और सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, यहाँ कस्टमर नेम छूट गया है, डेट ऑफ परचेजिंग के बाद यहाँ कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम के बाद सीरियल नंबर तो लेना ज़रूरी है क्योंकि ये प्राइमरी की है। और फिर यहाँ प्रोडक्ट नेम, प्राइस, यूनिट अमाउंट, यूनिट, ठीक है, टोटल, सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी, और यहाँ टैक्स अमाउंट। ये जो टैक्स अमाउंट है ये आई जी एस टी वाला टैक्स अमाउंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम टोटल वाला कॉलम यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो इसको जूम व्यू पे ले लेते हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, कोलन लगाइए। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्राइस, तो यहाँ प्राइस दे देते हैं, पी आर आई सी ई, प्राइस इनटू क्या करेंगे, यूनिट अमाउंट। यूनिट अमाउंट का मतलब है कितने किलो लिया, कितना लिया, एक लिया, दो लिया, उसे कहते हैं यूनिट अमाउंट, ओके। तो यूनिट अमाउंट यहाँ पर दे दिया हमने और यहाँ से ओके प्रेस किया तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब टैक्स, टैक्सेशन की बात करेंगे, टैक्स कैसे लगाएंगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट होकर आएगा, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी जी एस टी, एस जी एस टी दिया गया है, आई जी एस टी भी दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अगर सी जी एस टी आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर रखता हूँ टैक्स अमाउंट ऑफ सी जी एस टी, यानी सी जी एस टी पर कितना टैक्स अमाउंट लग रहा है, ओके।
तो यहां पर अगर सीजीएसटी अप्लाइड होता है, ठीक है, तो क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं टोटल, टोटल पे ही अप्लाई होगा, किंतु यहां पर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लिख देना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी होगा, और ये लिख दिया हमने, इतना कर दिया। अब बस यहां से ओके प्रेस कर दीजिए। अगर आईजीएसटी, अब ये आईजीएसटी वाला है तो यहां पे आईजीएसटी भी लिख देता हूं, तब कोलन लगाता हूं। अब यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, लिख देना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, सी जी एस टी एंड एस जी एस टी, एस जी एस टी होगा, और ये लिख दिया हमने, इतना कर दिया। अब बस यहां से ओके प्रेस कर दीजिए। अगर आई जी एस टी, अब ये आई जी एस टी वाला है तो यहां पर आई जी एस टी भी लिख देता हूं, तब कोलन लगाता हूं। अब यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, इसको ले लेते हैं जूम व्यू पे। IGST जब कैलकुलेट करना होगा तो फिर वही टोटल पे ही कैलकुलेट होगा ये भी, तो जब डिफरेंट स्टेट की बात आती है तब IGST लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर IGST लगाएंगे तो यहाँ लिखा मैंने IGST, ओके। अब बस यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए, और यहाँ से आपको करना है रन पर क्लिक। तो जैसे रन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये टैक्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सीरियल नंबर है इसको मैंने फॉर्मेट किया हुआ है हमारे अनुसार। ये पहले जो देख सकते हैं TSI 11, फिर TSI 21, ऐसे करके ही चलता जाएगा, 10-10 के अंतर पे ये चलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड की जो प्राइस है 200 रुपये है, 3 आइटम कीबोर्ड्स के बिके हुए हैं, आइटम यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट में, ठीक है। इसमें एक चीज और करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेरी हमारी बनी हुई है। यहाँ पर अगर किसी को शुगर की जरूरत है, यानी चीनी खरीद रहा है कोई, चीनी ले रहा है, तो यहाँ पे देखिए चीनी 40 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगी। तो अगर मान लीजिए कोई 15 किलो चीनी खरीद रहा है तो यहाँ पे 15 दे दिया मैंने। अब यहाँ पे आप यूनिट देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यूनिट भी बनाया है, तो केजी किलोग्राम के हिसाब से खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल आ गया अपने आप। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी वाली बात है तो यहाँ पर मैं यहाँ पे टैक्स लगा देता हूँ, 5.5% का टैक्स है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होकर आ गया टैक्स अमाउंट, देख सकते हैं आप। अगर आईजीएसटी लगाया जाता तो वो आईजीएसटी के हिसाब से कैलकुलेट होकर आता, ओके। तो यहां पर फॉर्म बना सकते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं ये मोर फॉर्म पे आकर के, और फॉर्म पे आ जाइए और इसको सेव कर लेता हूं मैं। क्वेरी वन है तो मैं Q1 कर देता हूं, उसको एंटर प्रेस करता हूं, और ये सारी चीजें हमें चाहिए तो ये सारी चीजें ले लेते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं, टेबुलर फॉर्म में हमें डेटा चाहिए तो ये टेबुलर फॉर्म में ले लिया हमने। आप कौन से स्टाइल में चाहिए वो देख लीजिए, जो स्टाइल आपको ठीक लगती है वो ले लीजिए, और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, तो ये इस तरीके से फिनिश भी हो जाएगा। अब हमको आगे क्या करना है वो समझना है। डिज़ाइन व्यू पे आ जाइए, ये हमने फिनिश तो कर दिया है लेकिन ये थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें इधर उधर हैं, पता नहीं चल रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें इधर उधर हैं तो इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ से डेट ऑफ परचेजिंग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और ये कस्टमर काफ़ी बड़ा है इसको भी यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं बस। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट वाला भैया कॉलम आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि एंट्रीज आपको कैसे करनी है। अब यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, यहाँ कस्टमर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ आप कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया रूपेश सागर, ओके। और यहाँ डेट, वो डेट आ जाएगी जिस डेट पे ये खरीदारी कर रहा है, तो जो भी डेट पे इन्होंने खरीदारी करी होगी वो सारी डेट्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। और ये देख सकते हैं आईजीएसटी जब नहीं लगाया गया है तो आईजीएसटी आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया गया तो वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो अगले कस्टमर का यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे नाम भर देंगे रोशन जहां, ये दे दिया हमने। और यहाँ पर देखिए इनका सीरियल नंबर जो है अलग आ रहा है, और ये बेसन, ठीक है, और
150 रुपये का पैकेट है और यहाँ पर यूनिट अमाउंट दिया हुआ है, तो ये यूनिट अमाउंट डाल देंगे। 150 रुपये प्राइस है। कितने यूनिट ले गए हैं? 3 यूनिट ले गए हैं और यहाँ पर किलो के हिसाब से ये ले जाएंगे, तो यहाँ पर केजी दे देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर टोटल प्राइस आ जाएगी, यहाँ पर टोटल जो प्राइस है वो अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पे 6% का CGST SGST लगा देंगे, तो यहाँ पे ये टैक्स अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे IGST है, तो IGST अगर लगाते हैं तो IGST कैलकुलेट हो जाएगा, अगर CGST SGST में डालते हैं तो CGST SGST कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी यहाँ पे परसेंट हो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होकर आ गया है, आप देख सकते हैं। आप फिर भी चाहते हैं कि थोड़ा और भी ये कलरफुल दिखे, तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ये पूरा सेलेक्ट करना होगा, एक और यहाँ पर कलर फिल कर दीजिए, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो कलर, वो कलर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं लाइन वाइज। और अब इस पर क्लिक करें तो ये देख सकते हैं इस तरह से कलरफुल तरीके से ये आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो से रिलेटेड कोई और भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।